नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको ये बताएंगे, ये हमारा मीठा नीम का पेड़ है। हर कोई को समस्या होता है कि इसका कटिंग लगाने से बहुत समस्या होता है कि मैडम कटिंग हो ही नहीं रहा। यदि हम इसको बोलते हैं कि आप इसे कटिंग करके आप लगाएं, तो हर कोई का कमेंट आ रहा है कि मैडम हो ही नहीं रहा। आसान और सरल तरीका बताएंगे कि आप इस तरह से, जिस तरह से आज हम बताएंगे आपको, इस तरह से आपको रिजल्ट आना ही आना है। तो आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह कभी भी हम जानकार वीडियो डालें तो आपके पास हम पहुंच जाए। तो दोस्तों, ईयर लेयरिंग कैसे किया जाता है वो आज आपको बताएंगे कि आप इस गिलास के मदद से आप इसे जड़ उगा सकते हैं। पेड़ के ही तना से आप जड़ उगा कर यहाँ से आप कटिंग करके फिर दूसरे गमले में आप लगाएंगे, तो ये चीज़ आपका सक्सेस होगा। मतलब ये आपको होना ही होना है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। आप देखते होंगे कि ये नर्सरी वाला करता है, तो आज आपको ये बताएंगे इसे हर कोई कर सकता है, ये आप भी कर सकते हैं। केवल इसमें सीखना है और देखना है, कोई भारी बात नहीं है, इसमें कोई तामझाम नहीं रहता है, इसे आप भी कर सकते हैं। आज हम करके आपको दिखाएंगे, तो इस तरह आपको बहुत ही आसान लगेगा कि आप कटिंग करके गमला में डालकर और इंतज़ार करेंगे कि मेरा पेड़ हुआ कि नहीं उड़ा। तो आपको आज इसी तरीका से उगाने के लिए सिखाएंगे कि पेड़ उगा कि नहीं उगा। तो आपको इस तरह गिलास में इसलिए बता रहे हैं ताकि ये वाइट है, और यहाँ से आपका जड़ जब फेंकेगा तो ये गिलास में नज़र आएगा, आपको जड़ दिखेगा। और जड़ कितना दिन में आ जाएगा, ऐसे तो 50 दिन का हम टारगेट रखते हैं, पर इस गिलास में हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको महीना दिन में भी जड़ नज़र आ सकता है, 20 या 25 दिन में भी जड़ नज़र आ सकता है, पर हम महीना दिन के बाद ही यदि एयर लेयरिंग करते हैं तो महीना दिन के बाद ही निकालते हैं। तो आज आपको करके दिखाते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह का आप मोटा तना ले लें, इतना पतला में रिजल्ट बहुत ही कम आता है, पर इतना मोटा में आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आज आपको करके दिखाते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। तो आप आसान तरीका से पहले कट लगा लें, जैसे हम कट लगाना सिखा रहे हैं आपको। यहाँ कट लगाएं, अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसे हम छील लिए हैं। अब इस गिलास में हमको कट लगाना है, तो हम इसे कैंची की मदद से कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम गोल ऐसा छेदा किए हैं ताकि इसका जो तना है अच्छा से इसमें बैठ जाए। अब यहाँ से भी हम कटिंग कर दिए हैं, इस जगह को भी कटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आराम से इसमें टेप मारेंगे। इसको मिलाकर आप यहाँ से टेप मारें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हम आराम से जो पत्ते का मिट्टी होता है, जो आराम से ये वो पत्ते आराम से उसे खाद बन जाता है, उसी तरीका से हम इसमें भरपाई किए हैं। यानी कि इसका जड़ में जो है, जो जिस जगह में हम छीले हैं उस जगह में इसे भर दिए हैं, और बहुत ही अच्छा इसमें ग्रो करेगा। और जब जड़ इसका जब उग जाएगा तो हमें नज़र आएगा, इस तरह से नज़र आएगा, लंबा लंबा धारी नज़र आएगा। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर यदि कोई चीज़ का पेड़ है, अमरूद का है, आम का है, किसी भी चीज़ का है, तो आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। यदि आप गुलाब लगा रहे हैं, गुड़हल लगा रहे हैं और आपका बार बार कटिंग फेल हो जा रहा है, तो इस तरह से आपका ये कभी किसी का रिजल्ट
गलत नहीं हुआ, ताकि आप इस पर क्या मिट्टी डालें, तो आप नए नए हैं तो आप नारियल का भूसा से आप कर सकते हैं, रेत से कर सकते हैं, यानी कि आप बालू से कर सकते हैं, क्योंकि बालू उसमें पानी यदि आप डालते हैं तो कम से कम एक दिन पानी इसमें एब्जॉर्ब करके रखता है और उस जड़ को मजबूत बनाता है, जिसमें पानी का कमी हमेशा नहीं रहता है, बरकरार रहता है, यानी कि नमी जो है बरकरार रहता है। तो ये नमी के कारण हमारा ये पौधा तैयार हो जाएगा, और यहाँ से जब हमारा पौधा तैयार हो जाएगा तब इस गिलास को हम निकाल कर और जड़ देखेंगे कितना मजबूत, कितना अच्छा जड़ आया है। तो इससे हम यहाँ से कटिंग करके आप फिर गमला में लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा पेड़ होगा। और ये इस तरह लगाने से एक और कारण भी है, जैसे कि हमारा ये फल वाला पेड़ है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं हमारा बीज आ रहा है, ये हमारा पुराना पेड़ है। इस तरह इसलिए आदमी लगाता है कि जो हमारा पुराना पेड़ है तो हम इस चीज़ को लगाएंगे तो हमारा गमला में ही लगाएंगे तो इस तरह फल आना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका सीजन आएगा तो ये हमारा फल आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे हम कटिंग करके लगा रहे हैं। नर्सरी वाले लोग भी फलदार जो पौधा होता है, आम का होता है, अमरूद का होता है, अनार का होता है, चाहे कुछ चीज़ का भी होता है फलने वाला पौधा, यदि इस तरह से आप लगाते हैं तो बिल्कुल इसी मदर प्लांट से हम जो लगा रहे हैं, तो ये हमारा मदर प्लांट आप कटिंग करके लगाते हैं तो मदर प्लांट हमारा तैयार रहेगा। ये हमारा नया पौधा नहीं रहेगा कि इसमें हमें समय लगेगा, सालों साल समय लगेगा इसका फल आने में, क्योंकि आप कभी भी देखे होंगे मीठा नीम का तो फल हर किसी में नहीं आता है। जो पुराना पेड़ हो जाता है, बहुत साल का हो जाता है, उसी में यानी कि इस तरह फल आना स्टार्ट होता है। और ये फल जो है, यानी कि आप बीज देख रहे हैं, ये बीज एकदम काला हो जाता है, काला होकर सूख जाता है, तो इसका बीज से आप तैयार कर सकते हैं नए पौधा। और इस तरह भी बहुत ही आसान से अपने घर पर आप तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं हम खुद इसे बहुत ही आसानी से लगाए हैं और ये हमारा घर में ग्रो हो जाएगा। तो ये ग्रो होगा तब आपको हम इसे दिखाएंगे कि ग्रो कब होगा। तो आज इसे पानी आपको देने का तरीका बताते हैं। पानी आप कोई भी भारी भरकम चीज़ से ना दें, एकदम धीरे धीरे पानी दें। और अभी है गर्मी, आप दोनों टाइम पानी दें, नीचे में मेरा छेदा है वो पानी निकल जाएगा। यदि आप का छेदा से पानी नहीं निकल रहा है तो कोई भी चीज़ आप गर्म करके छेदा कर देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि हमारा पानी ये निकल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है और पानी नहीं निकलेगा तो इसे हम छेदा करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पानी आप कोई भी छोटा बर्तन से आप इसमें दें, ताकि इसमें मेरा, आप देख सकते हैं पानी हमारा निकलने लगा है, इसमें छेदा करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह आप भी देख लेंगे, आपका पानी यदि निकल रहा है तो आपको छेदा करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसानी से। और आपको पानी इसमें देना है, अभी गर्मी है तो ये हमारा छायादार में, यानी कि यहाँ पर निमिष से धूप आता है, यानी कि 4 से 5 घंटा यहाँ धूप आता है, तो हम फिर भी गर्मी के कारण इसमें 2 टाइम पानी देंगे। जब बरसात में यदि आप इस तरह ग्रो करते हैं तो बरसात में पानी देने का दरकार नहीं है, क्योंकि बरसात में मरा हुआ पौधा भी जिंदा हो जाता है। तो अभी गर्मी है और इसमें हमें पानी देना होगा, तो आप इसमें दे दिए हैं और हमारे ये नीचे तक आ गया। जब पानी आप देते हैं और नीचे तक पानी आ जाता है तो समझिए पूरा मिट्टी हमारा भींज गया है, ये हमारा जड़ तक चला गया है। यही एक कारण होता है, जब पानी हमारा गमले से नीचे निकलने लगता है तो समझ जाइए कि हमारा गमले में पूरा नीचे तक पानी चला गया है। तो इस तरह जानकार वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस तरह का कुछ भी नॉलेज चाहिए या आपको कोई पौधा मर रहा है, कुछ भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए या वो उस पौधा के हमें फ़ोटो खींच के भेजिए, ताकि हम समझ पाएँ कि आपका पौधा में कौन सा रोग लगा है। धन्यवाद।